गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस स्नेक के ऊपर डक बनाना सिखाऊंगा जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है यार। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जरूर बोल दूं यार, लाइक जरूर ठोको और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो चलो भाई सीखते हैं। सबसे पहले गाइस आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रेड को नीचे रख लेना है, ठीक है, रेड को ना, और व्हाइट को आपने ऊपर रखना है। तो उसके बाद आपने करना क्या है, 1-2 पीस काउंट करने, 2 पीस को आपने एक बार 2 बार घुमा देना है। एक बार ये आप देख सकते हैं, ये मैंने 2 पीस गिने और 2 पीस को 1 बार 2 बार गिना दिए। बहुत ही आसान है गाइस ये डक बनाना। फिर इसके बाद मैंने 1, 2, 3, 4 पीस मैंने गिने और इनको 3 बार घुमाना है, 1 बार 2 बार और ये 3 बार। 3 बार गाइस मैंने इनको घुमा दिया। फिर हमने क्यूब को इसी तरह पकड़ना है कि ये थोड़ा नीचे की साइड जाए। फिर हमने गाइस 1-2 पीस काउंट करने और दूसरे पीस के, ये तीसरा जो पीस है इसको हमने ऐसे घुमा देना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चर बन चुका है। फिर गाइस हमने 1-2-3 पीस काउंट करने और 4th पीस को गाइस हमने आगे लेके जाना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कुछ डक टाइप का बन रहा है। फिर उसके बाद गाइस रेड वाला पीस जो है इसे हमने 1-2 बार घुमा देना है, और फिर उसके बाद ये जो वाइट वाला पीस है इसको हमने 1 बार अंदर लेना है। फिर उसके बाद 1-2-3-4 पीस काउंट करने और 4th पीस को 1 बार इधर कर देना है, ठीक है। तो हमारी आधे से ज़्यादा डक बन चुकी है गाइस। तो ये वाला वाइट पीस आप देख रहे हैं, इसको अपने पास आपने 2 बार ले आना है। फिर इस रेड पीस को अपने पास खींच लेना है। सो गाइस बस हमारी डक बन चुकी है, बस हमने इसको 2 बार ऊपर कर देना है और ये इसकी पूंछ। और यार गाइस कसम से डेफिनेटली ये डक बहुत ही प्यारी लग रही है, ऑसम लग रही है बहुत ही। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है यार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।